हेलो दोस्तों, एक बार फिर से चुका आपके लिए को और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आऊँ बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स की वीडियो गाइस। और आज की वीडियो होने वाली है काफी अमेजिंग और काफी यूनिक गाइस, क्योंकि आज है गाइस हमारे पास तरह तरह की पेंसिल पाउच और तरह तरह की पेंसिल बॉक्स गाइस। इन सबको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कौन सी पेंसिल बॉक्स ज्यादा अच्छी है और किस पेंसिल बॉक्स में हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों आपको इन सारी ज्योमेट्री बॉक्स में सबसे अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स कौन सी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वी फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन शुरू करते हैं गाइस। और जब भी आप कमेंट करते हो ना, कमेंट करने के बाद ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखा करो, जिससे मुझे आपका नाम याद हो जाए और मुझे ये भी पता चले मेरे वीडियो पे कौन कौन कमेंट करता है दोस्तों। तो चलो सबसे पहले है गाइस हमारे पास काफी प्यारी और काफी सुंदर सी ये मिकी माउस की हिडन व्हाइट बोर्ड ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 140 रुपीज की परचेज करी है दोस्तों। काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो दिखा दो इसमें कितना स्पेस मिलता है और कितने कंपार्टमेंट मिलते हैं। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, इसमें दो होल मिलते हैं जिसमें दोस्तों हम अपने पेन को स्टैंड करके रख सकते हैं दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करते हैं, पहले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं दोस्तों, और स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है, खाली हमारी पेंसिल रख सकते हैं दोस्तों इस कंपार्टमेंट के अंदर दोस्तों। चलो इसे बंद करते हैं गाइस, हम करते हैं सेकंड कंपार्टमेंट को ओपन। सेकंड कंपार्टमेंट को ओपन करके देखते हैं दोस्तों इसमें हमें क्या मिलता है। तो यहां देखो दोस्तों, हमें मिलता है एक व्हाइट बोर्ड सेकंड कंपार्टमेंट में, जिसमें हम टिकटॉक टो खेल सकते हैं बहुत ही इजीली से। हमें मिलता है एक मार्कर, एक मिलता है गाइस काफी सुंदर सी एक वुडन पेंसिल दोस्तों, एक मिलता है गाइस 15 सेंटीमीटर का मिकी माउस का स्केल दोस्तों। और कंपार्टमेंट काफी अच्छा है, स्पेस भी काफी अच्छा, और इस वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। चलो इसे बंद कर देंगे। तो गाइस हमें इसके अंदर मिलता है एक पार्ट मिलता है, इस पार्ट को हम खींचेंगे तो दोस्तों हमें इसके अंदर मिलता है एक हिडन व्हाइट बोर्ड दोस्तों। और ये व्हाइट बोर्ड नहीं है दोस्तों, ये है हिडन टाइम टेबल सेट गाइस। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग, और इस जगह गाइस हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं दोस्तों। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है, और ऐसा गाइस टाइम टेबल शेड्यूल कंपार्टमेंट हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता है दोस्तों। काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास पिन बॉल ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। ये कार लुक में है दोस्तों, काफी जबरदस्त और काफी प्यारी है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करने के लिए दोस्तों हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड क्या है, 246 और 246 को हम ऊपर कर देंगे सारे पॉइंट को, और इस वाले बटन को दबाएंगे तो ढक्कन ओपन हो जाएगा। उससे पहले गाइस हमें इसमें मिलते हैं कैप्टन अमेरिका की एक पिन बॉल गेम दोस्तों, काफी जबरदस्त है। इस तरह से हम अपने दोस्तों के साथ बैटल खेल सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स। और जब हम इसके साथ बोर हो जाए टाइम पास भी कर सकते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ दोस्तों। चलो ओपन करके दिखाता हूं इसमें कितना स्पेस है और कितना कंपार्टमेंट है, और इतना स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो देखो दोस्तों ओपन करते ही गाइस हमें इसके अंदर केवल एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इसके अंदर देखो दोस्तों कितना अमेजिंग और कितना बड़ा पेंसिल लॉक मिल जाता है। देख सकते हो दोस्तों, इतना बड़ा पेंसिल लॉक हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर नहीं मिलता। और इसके अंदर गाइस 1 2 3 4 5 6 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं, स्पेस काफी अच्छा है गाइस, काफी जबरदस्त हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। तो आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी, इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैं 120 रुपीज की परचेज करी है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये कलरफुल पेंसिल पाउच, और हम इसे बोल सकते हैं एक बैग दोस्तों। काफी जबरदस्त पेंसिल पाउच है, काफी अमेजिंग, काफी कलरफुल है। इसकी जिप की बात करें, काफी डिजाइनदार जिप है दोस्तों। यहाँ पे हमें दो लॉक मिलते हैं, इस दोनों हुक का क्या काम है वो आगे देखेंगे दोस्तों। चलो जिप ओपन करते हैं, जिप का देख सकते हो काफी स्मूथली ओपन हो रही है। अंदर की बात करें तो गाइस इसके अंदर गाइस हमें मिलती है, ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर क्या मिली, ये देखो दोस्तों हमें तो इसके अंदर एक बेल्ट मिली दोस्तों, काफी जबरदस्त। और इस बेल्ट को तो हम अपने कंधे पे लटका सकते हैं, यानी इस बेल्ट को इस बैग के अंदर लगा लेंगे, फिर हम इस बैग को अपने कंधे पे लटका सकते हैं। बेल्ट की क्वालिटी काफी जबरदस्त है, और इस बेल्ट पे क्या लिखा है दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और इसके अंदर स्पेस की बात करें, स्पेस काफी अच्छा है। पहले ऊपर वाले कंपार्टमेंट दोस्तों हमें काफी अच्छा सा एक पॉकेट मिल जाता है, नेट वाला पॉकेट मिल जाता है। नीचे भी गाइस हमें एक और पॉकेट मिलता है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और इसमें गाइस एक और मिलता है गाइस हुक दोस्तों, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग सा। और इस हुक को दोस्तों हम अपने जिप में लगा लेंगे दोस्तों, जिससे बहुत ही इजी से कैरी कर सकते हैं। तो इस पेंसिल पाउच को मैंने 250 रुपीज की परचेज करी है। आपको कैसी लगी दोस्तों ये पेंसिल पाउच दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी जबरदस्त और काफी प्यारी सी पेंसिल पाउच दोस्तों, ये भी काफी अमेजिंग, और मोटाई देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग है। और इस पेंसिल पाउच को 450 रुपीज की परचेज करी है, और इसमें हमें एक गिलास मिलता है जिसके अंदर लिक्विड भरा, और इस
जिसके अंदर गाइस है एक मरमेड प्रिंसेस दोस्तों, देख सकते हो जो काफी अमेजिंग लग रही है, काफी गुड लुकिंग लग रही है दोस्तों। चलो ओपन करके दिखाता हूँ इसमें दोस्तों कितना स्पेस मिलता है, कितना हमें स्टडी मटेरियल आ जाएगा। जिप की बात करें, जिप की क्वालिटी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है। लेफ्ट साइड में हमें एक नेट पॉकेट मिल जाता है दोस्तों, क्वालिटी काफी जबरदस्त है। स्टडी मटेरियल भी दोस्तों हमारा काफी सारा इस पॉकेट में आ जाएगा दोस्तों। सेकंड कंपार्टमेंट दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, इसमें हम अपनी पेंसिल को या स्टडी मटेरियल को लॉक करके रख सकते हैं। काफी सॉफ्ट है दोस्तों ये वाला कंपार्टमेंट। नीचे कंपार्टमेंट की बात करते हैं, नीचे भी कंपार्टमेंट काफी अच्छा है, काफी गहरा है और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। काफी प्यारी गुड लुकिंग है ये पेंसिल पाउच है। आपको कैसी लगी पेंसिल पाउच दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी अमेजिंग और काफी प्यारी सी स्पेस बस वाली ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। काफी अमेजिंग है, मिनी बस है दोस्तों, काफी अमेजिंग। और इसके व्हील में दोस्तों हमें एक व्हील में दोस्तों शार्पनर मिलता है और एक व्हील में दोस्तों हमें इरेजर कंपार्टमेंट मिलते हैं। और हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स के व्हील में दोस्तों हमें शार्पनर नहीं मिलता, ना ही हमें इरेजर कंपार्टमेंट मिलता। काफी जबरदस्त है, इसमें दो कंपार्टमेंट मिलते हैं। चलो दोनों कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों कितना स्पेस है दोस्तों। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को 180 रुपीज की परचेज करिए। पहले बटन को दबाते हैं दोस्तों, पहले बटन को दबाते ऊपर एक ढक्कन ओपन होता है। अंदर ढक्कन ओपन करते गाइस हमें एक पॉकेट मिलता है जिसमें हम अपने क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं। और गाइस इसमें गाइस 1 2 3 3 पेंसिल लॉक मिल जाता है। दो कंपार्टमेंट है दोस्तों, इस पहले कंपार्टमेंट के अंदर दो पार्टीशन है। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग स्पेस मिल जाता है दोस्तों, लुक भी काफी जबरदस्त है। सेकंड ढक्कन ओपन करते हैं, सेकंड ढक्कन ओपन करके देखते हैं दोस्तों कितना स्पेस है। तो बंद दबाते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं गाइस बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों कमांड मिलता है जिसमें हम काफी सारा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। इसमें हमें कुछ भी इस वाले कमांड में दोस्तों हम कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त है और ये स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास प्रिंसेस की ट्रांसपेरेंट पेंसिल पाउच दोस्तों। काफी जबरदस्त है, ट्रांसपेरेंट लुक में है दोस्तों। इसमें जो भी स्टडी मटेरियल होगा ना वो साफ साफ बाहर से ही दिख जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और इसकी जिप की बात करें, जिप भी काफी अच्छी है, डिजाइन देख सकते हैं दोस्तों कितने अमेजिंग है, 3D लुक में ये डिजाइन बनाए दोस्तों। चलो जिप ओपन करते हैं, अंदर के स्पेस की बात करते हैं दोस्तों कितना स्पेस है। तो स्पेस ओपन करते ही हमें इसके अंदर मिलता है गाइस नेट वाला पॉकेट दोस्तों, काफी जबरदस्त स्पेस मिल जाता है। और इसमें हम अपना स्टडी मटेरियल को रख के हम इस जिप को लगा देंगे, पूरा स्टडी मटेरियल लॉक हो जाएगा दोस्तों। और हमें सेकंड कंपार्टमेंट में 1 2 3 4 4 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और नीचे एक और कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हम काफी सारे स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये ट्रांसपेरेंट पेंसिल पाउच है, और ट्रांसपेरेंट पेंसिल पाउच तो हमारी कोई सी भी नहीं होती, पहली ऐसी पेंसिल पाउच है जो ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये चॉकलेट नोटबुक दोस्तों, ये काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। ऐसी चॉकलेट नोटबुक आपने कभी भी नहीं देखी होगी, लुक बिल्कुल चॉकलेट का है दोस्तों, बट ये रियल चॉकलेट नहीं है दोस्तों, ये नकली चॉकलेट है दोस्तों। बुक है दोस्तों, कैसी बुक है देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों नोटबुक कितनी जबरदस्त क्वालिटी की है दोस्तों, इसे मैंने 40 रुपीज के परचेज करी है। चॉकलेट लुक में काफी अच्छी है और काफी प्यारी है दोस्तों। इस चॉकलेट बुक को देख के ना मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरा आप चॉकलेट खाने का काफी मन कर रहा है। और इस चॉकलेट बुक के अंदर से ना काफी अमेजिंग खुशबू आ रही है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ये दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास नियॉन कलर दोस्तों, कितने शेड्स वाले, 24 शेड्स वाले। आप देख सकते हो सारे कलर बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। चलो एक दो कलर चला के दिखाता हूं। और इस नियॉन कलर को मैंने 100 रुपीज का परचेज किया है। तो एक उठा लेते हैं, चलो एक दो कलर उठाते हैं, हम उठा लेते हैं येलो कलर, एक डार्क येलो कलर दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों दो कलर है, अलग अलग कलर के नियॉन कलर है। चलो चला के देखते कैसा चलता है। तो ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है, और इस पेन के अंदर से तो ग्लिटर भी निकल रहा है दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग। और इसकी थिकनेस की बात करें, यानी इसके नीडल की थिकनेस की बात करें, तो 1.0 mm की इसकी थिकनेस है, यानी नीडल है दोस्तों। देख सकते हो काफी जबरदस्त है, चल भी काफी अच्छा रहा है। और जब ये चल रहा है ना तो इसके अंदर से ग्लिटर निकल रहा है दोस्तों, काफी अच्छी क्वालिटी का। इसे मैंने 100 या 200 रुपीज का परचेज किया है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। देख सकते हो फ्रंट में दोस्तों हमें दो शार्पनर मिलते हैं, शार्पनर की क्वालिटी दिखाता हूं तो आप देख के ना हैरान हो जाओगे। क्वालिटी देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है, इसमें दो शार्पनर मिलते हैं, एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिलता है दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करके दिखाता हूं दोस्तों इसमें कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और इसके अंदर भी गाइस हमें एक और पॉकेट मिल जाता है जिसमें हम गाइस क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं। और इसके अंदर गाइस हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है, और साथ ही स्पेस देख सकते हो दोस्तों कितना ज्यादा है। और इन पेंसिल बॉक्स में तो दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा दोस्तों। चल बैक
साइड की बात करें, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो बैक साइड के ढक्कन को ओपन कर लिया तो देख सकते हो दोस्तों कितना गहरा स्पेस है और कितना ज्यादा स्पेस है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। दोस्तों काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है और इस ज्योमेट्री बॉक्स में तो हमारा काफी सारा ढेर सारा गाइस स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही दिखाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास डोरेमोन की बटन ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और इसके अंदर देख सकते हो 1 2 3 4 5 बटन मिलते हैं और छठा बटन कहां है दोस्तों दिखाता हूं आपको। तो पहले बटन को दबाते येलो बटन को दबाते दोस्तों हमें इसके अंदर एक शार्पनर मिलता है। ग्रीन बटन को दबाते देख सकते हो इसके नीचे से निकला है कैलेंडर दोस्तों, और इस कैलेंडर को हम सेट भी कर सकते हैं अपने डेट के अकॉर्डिंग दोस्तों। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग कैलेंडर मिल गया। रेड बटन को दबाते दोस्तों एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों जिसमें हम अपना इरेजर या शार्पनर रख सकते हैं दोस्तों। चलो पिंक बटन को दबाते दोस्तों इसमें हमें मिलता है थर्मामीटर। चलो ब्लू बटन को दबाते दोस्तों नीचे से निकलता है एक कंपार्टमेंट, ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और इसमें तो दोस्तों में पेंसिल लॉक भी मिल जाता है इस कंपार्टमेंट के अंदर दोस्तों, काफी जबरदस्त है। चलो इन सबको बंद करते हैं, ढक्कन ओपन करके दिखाते हैं दोस्तों कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करते हैं तो ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त स्पेस है और इसमें भी गाइस हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है। और ये तो पहला ही कंपार्टमेंट है दोस्तों जो बाहर निकलता है ब्लू बटन को दबाने के बाद, देख सकते हो दोस्तों काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग है ये ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। चलो बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड के ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना इसमें से। बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारे स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। और इसमें गए मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन भी बने हैं दोस्तों बैक के कंपार्टमेंट के पीछे दोस्तों, काफी जबरदस्त है काफी अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ये दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न की स्टेशनरी सेट, बिल्कुल छोटी सी स्टेशनरी सेट आप देख सकते हो मेरे हाथ के बराबर ही स्टेशनरी सेट है। और इसमें देखो दोस्तों हमें कितनी सारी चीजें मिल जाती है, 50 रुपीज के परचेज करिए। और इसके अंदर गाइस हमें मिलता है सबसे अच्छी चीज तो इसके अंदर वॉलेट मिल जाती है, यानी मनी वॉलेट मिलता है दोस्तों, पॉकेट वॉलेट बोलते हैं दोस्तों। काफी अच्छा स्पेस है, डिजाइन देख सकते हो यूनिकॉर्न का डिजाइन बना है इस वॉलेट के ऊपर दोस्तों। और इसके अंदर कितने पॉकेट है, इसके अंदर गाइस हमें 1 2 3 पॉकेट मिल जाती है। एक जिप है दोस्तों जिसमें हम अपने नोट को रख सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त वॉलेट मिल गया दोस्तों हमें इस छोटे से स्टेशनरी सेट के अंदर दोस्तों। और गाइस हमें मिलते हैं 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है, ये देखो 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल गया। और गाइस इसके अंदर मिलते हैं हमें 2 वुडन पेंसिल, देख सकते हो दोनों पेंसिल के ऊपर यूनिकॉर्न की फोटो छपी है दोस्तों। और गाइस हमें मिलता है एक इरेजर, एक शार्पनर मिल जाता है दोस्तों। बट इसका जो वॉलेट था ना वो काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त वॉलेट मिल जाए दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही दिखाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और इसमें हमें एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाते देखते क्या होता है। बटन को दबाते ये देखो दोस्तों इसके अंदर तो लाइट जल रही है दोस्तों, और ये तो गई दोस्तों टॉर्च वाली ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों काफी जबरदस्त है। इसके प्राइस की बात करें, इसे 100 रुपीज के परचेज करिए दोस्तों। मैंने ज्योमेट्री बॉक्स को ढक्कन ओपन देखते हैं, देखते हैं इसमें कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है जिसमें गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं और इसमें काफी सारे स्पेस भी मिल जाते हैं दोस्तों। ट्रे को हटाएंगे, ट्रे को हटाते ही दोस्तों हमें इसके अंदर गाइस एक शार्पनर मिलता है, एक इरेजर कंपार्टमेंट मिलता है। और जो शार्पनर कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल सेट है और हम इसे बाहर से ही पेंसिल को शार्प कर लेंगे दोस्तों। काफी जबरदस्त है, स्पेस की बात करें स्पेस भी काफी जबरदस्त है नीचे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों। काफी प्यारा कंपार्टमेंट है, काफी अच्छा कंपार्टमेंट मिल जाता है दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, ये भी काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। और इसे ओपन करके दिखाता हूं इसमें कितना स्पेस है। पहले ढक्कन ओपन किया तो इसमें गाइस हमें मिलते हैं 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है दोस्तों। बैक साइड के ढक्कन की बात करें, बैक साइड के ढक्कन ओपन करते गए कुछ इंटरफेस मिलता है, इसमें भी दोस्तों हमें काफी सारे स्टडी मटेरियल मिल जाता है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है गाइस इसमें गाइस हमें मिलता है एक व्हाइट बोर्ड, देखो दोस्तों व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, काफी जबरदस्त है। हम अपना रफ वर्क कर सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स यानी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर दोस्तों, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न की ये पेंसिल पाउच दोस्तों, पेंसिल पाउच दिखाता हूं कैसी है, और ये देख के ना हैरान हो जाओगे, काफी जबरदस्त है। और इसका कीचन देखोगे ना तो काफी जबरदस्त है, दिखाता हूं आपको। तो ये देखो दोस्तों, इसके पहले लुक देखो दोस्तों, और इसका डिजाइन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग है देखो दोस्तों, है ना, काफी प्यारी सी है दोस्तों इसका डिजाइन दोस्तों। और इसका की चैन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त, कितना गुड लुकिंग है दोस्तों। हमें इसमें 2 पॉकेट मिलती है, एक पॉकेट छोटा पॉकेट है, एक बड़ा पॉकेट है दोस्तों। ये देखो इसमें भी दोस्तों हमें काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों, काफी प्यारी पेंसिल पाउच है, केवल 150 रुपीज की परचेज करिए। नेक्स्ट चीज दिखाते हैं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास प्रिंसेस की वॉच दोस्तों, ये भी काफी जबरदस्त है, सारे इंस्ट्रक्शन इसके पीछे दिए हैं गाइस। इसमें हमें 1 बटन 2 बटन 3 बटन मिलते हैं दोस्तों, तीनों बटन का यूज किया है। चलो देखते हैं और ये वॉच देखते हैं दोस्तों कैसे। इसे
900 पीस की परचेज करिए। लुक देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग है। और इसमें गाइस 1, 2, 3 बटन मिलते हैं। वॉच की बात करें तो इसके मुंह को इस तरह ओपन करेंगे तो अंदर वॉच मिल जाएगी दोस्तों। इसके पट्टे के ऊपर प्रिंसेस की फोटो छपी है, काफी जबरदस्त है। और इसके फेस भी काफी जबरदस्त है। और इसमें गाइस हमें 1, 2, 3 बटन मिलते हैं। पहले बटन को दबाते गाइस हमें साइड क्या होता है देखते हैं, टाइम सेट होता है। सेकंड बटन को दबाते भी टाइम सेट होता है। तीसरे बटन को दबाते इसमें से लाइट जलती है और इसमें से काफी अच्छा साउंड आता है। और लाइट देखो चारों तरफ घूम रही है कितने जबरदस्त तरीके से, देख सकते हो काफी गुड लुकिंग लग रही है, काफी प्यारी लग रही है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये बाइक वाली पेंसिल बॉक्स दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और इस पहली बाइक ऐसी है जिसमें गाइस 4 व्हील मिलते हैं हमें, 4 व्हील मिलते हैं। काफी अच्छा है, काफी अमेजिंग है। व्हील देखो दोस्तों कितना फास्ट रोटेट हो रहा है। इसके अलॉय व्हील भी काफी जबरदस्त है। ओपन करते हैं देखते हैं इसमें कितना स्पेस है। ओपन करते ही गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है और इसमें गाइस एक ट्रे मिलता है जिसमें गाइस हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इस ट्रे को हटाएंगे दोस्तों, नीचे भी दोस्तों हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्पेस काफी जबरदस्त है, काफी प्यारा स्पेस है, काफी सारे स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर 3-3 बाइक मिल गई दोस्तों, ये देखो है ना काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग दोस्तों। तो आज का था ये कलेक्शन। आज के कलेक्शन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक चीज और है गई दोस्तों, एक है गाइस हमारे पास प्रिंसेस की पेंसिल पाउच और इसका की चैन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है। और ये देखो इसकी जिप देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है। ओपन करते हैं अंदर के इंटरफेस की बात करें तो अंदर ओपन करते हैं, अंदर देखो दोस्तों कितना जबरदस्त स्पेस है। इसमें 2 पॉकेट मिल जाती है, छोटा पॉकेट एक बड़ा पॉकेट मिल जाता है। स्पेस काफी जबरदस्त है इसका गाइस। इस पॉकेट देखो दोस्तों इस सेकंड कंपार्टमेंट में दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉकेट मिल जाते हैं। और इसके अंदर दोस्तों हम काफी सारे स्टडी मटेरियल को लॉक करके रख सकते हैं। इसे हटाएंगे तो नीचे वाले कंपार्टमेंट देख सकते हो दोस्तों कितना सॉफ्ट है, काफी मुलायम है दोस्तों नीचे वाला कंपार्टमेंट। इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारे स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। इस पेंसिल पाउच को मैंने 250 रुपीज की परचेज करी है दोस्तों। तो आज का था ये कलेक्शन। आपको इन कलेक्शन में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, ज्यादा अच्छी लगे तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों। बस जब भी आप कमेंट करो ना ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखा करो जिससे मुझे अपना नाम याद हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।